तो आज का एक्सपेरिमेंट नंबर टू है हमारा। टू प्रिपेयर एंड सबमिट द वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम भी इमल्सिफिकेशन मेथड से बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, कोल्ड क्रीम बनाई थी। वैनिशिंग क्रीम होती क्या है, OW इमल्शन होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन। इसके अंदर वाटर जो होता है एक्सटर्नल फेज में होता है और ऑयल जो होता है इसका डिस्पर्स फेज में होता है, ठीक है। और वैनिशिंग क्रीम का जो यूज़ है वो एज ए फाउंडेशन क्रीम के तौर पे यूज़ करते हैं। जनरली फेशियल मेकअप में यूज़ किया जाता है वैनिशिंग क्रीम का। क्यों ऑयल इन वाटर इमल्शन करें, ईजिली वॉशेबल हो जाता है विद वाटर, ईजिली वॉश कर सकते हैं। तो फाउंडेशन क्रीम में ये बेस के तौर पर यूज़ होता है। और इसके अंदर कंटेंट जो यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स वो क्या है, स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, मिथाइल पैराबेन, परफ्यूम और वाटर, ठीक है। स्टेरिक एसिड जो है हमारा कैसा है, ऑयल फेज में, ठीक है। तो स्टेरिक एसिड जो होता है ऑयल फेज में रिएक्ट करके विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कराता है, इन सीटू सबोनिफिकेशन करता है, अगेन एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। क्योंकि ये इमल्शन है, इमल्सिफिकेशन मेथड से बना रहे, तो एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट हम अलग से एक्ट कर नहीं रहे। तो स्टेरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाई होता है वो क्या करता है, बाय द सबोनिफिकेशन ये एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम आता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, जो इमल्शन हमारा बन रहा है OW उसको स्टेबल करने का काम आ रहा है। ग्लिसरीन जो है एज ए ह्यूमेक्टेंट काम आ रहा है। तो ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, जो ड्राइनेस को मेंटेन रखते हैं, कि ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए कि स्किन आपकी स्मूथ बनी रहे। क्योंकि ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो बाय द समर अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको तो क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, तो स्किन आपकी ड्राई हो जाएगा, जो आपका मेकअप होगा वो ड्राइनेस हो जाएगा, तो वो बड़ा बेकार सा लगेगा। तो ह्यूमेक्टेंट होगा जो क्या करेगा, स्मूथनेस देगा इसको, ठीक है। और मिथाइल पैराबेन स्टिल यूज़ करें एज ए प्रिजर्वेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑयल वाटर है, वाटर हमारा एक्सटर्नल फेज में है तो कंटेमिनेशन होने के चांसेस भी है क्रीम के अंदर, तो यहाँ पर ऑयल वाटर इमल्शन के अंदर प्रिजर्वेटिव भी ऐड करेंगे। परफ्यूम एज ए फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है और वाटर हमारा जो एक्सटर्नल फेज के अंदर है तो हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। क्वान्टिटी जो प्रिस्क्राइब्ड है वो एज पर फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब्ड है। हमें बनाना कितना है, 20 ग्राम, ये कैलकुलेटेड क्वान्टिटी है 20 ग्राम के हिसाब से। प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर के अंदर हम क्या करेंगे, वैसे ही बनाया पिछली बार किया था, ऑयल फेज और एक्ट्रस फेज। ऑयल फेज की बात है, ऑयल फेज के अंदर क्या है, स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड को क्या करना है, चाइना डिश में हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे, कब तक, जब तक वो कंप्लीट मेल्ट ना हो। सेकंड फेज में क्या करना है, हमें एक्ट्रस फेज को अलग से सेपरेटली बीकर में लेना है, उसके अंदर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ग्लिसरीन लेना है और वाटर लेना है, तीनों को मिक्स करना है और हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए। जब डिजॉल्व हो जाए उसको हमने, इसका नाम क्या है, दो फेज है, ऑयल फेज और एक्ट्रस फेज। ऑयल फेज के अंदर यहाँ पे स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड को हम चैनल इसमें हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे और कब तक, जब तक वो कंप्लीट मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। एक्ट्रस फेज हमारे यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन और वाटर, इसको सेपरेटली बीकर में हीट करेंगे, कब तक, 70 डिग्री सेल्सियस पे, और डिजॉल्व हो जाएगा जब तक करते रहेंगे। उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे फ्रॉम द वाटर बाथ और हीटिंग मेंटल से, फिर हम एक्ट्रस फेज को ऐड करेंगे ऑयल फेज। कॉशन की बात यहाँ पर यह है कि हमेशा इमल्सिफिकेशन मेथड में ऑयल फेज को हमेशा एक्ट्रस फेज को ऐड करना होता है ऑयल फेज के अंदर, अगर आप उल्टा करेंगे तो इमल्शन आपका करेंगे। यहाँ पर ऑयल फेज हमारा स्टेरिक एसिड है, इसके अंदर ड्रॉपाइज ऐड करते रहेंगे और कंटिन्यूस स्टेरिक के साथ उसको मिक्स करते रहेंगे, कब तक, जब तक वो रूम टेम्परेचर तक पहुँच जाए, जब थिक क्रीम बन जाएगी उसके बाद हम फाइनल इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपका स्टेरिक एसिड हो गया 5 ग्राम, ठीक है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 0.16 ग्राम, ठीक, ओके। 2 ml ग्लिसरीन आपको लेना है, ये आपने ग्लिसरीन ऐड कर दिया है इसमें 2 ml। यह आपका स्टेरिक एसिड 70 डिग्री पे मेल्ट किया जा रहा है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन और वाटर का फेज जो है डिजॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे 70 डिग्री तक, ठीक है। अब ड्रॉप वाइज आपको एक्वस फेस को ऑयल फेस में
ड्रॉप वाइज डालते हुए स्टिरर करना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ये आपकी क्रीम कंप्लीट हो गई है, अब इसे कंटेनर में फिल किया जाए। इधर आओ, आप भी करिए।